हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, बॉलीवुड में आप भी अपना कैरियर एज एन एक्टर बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे NSD के बारे में। आप सब जानते होंगे NSD, दैट मीन्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो दिल्ली में है। NSD से बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो बॉलीवुड में काफ़ी नाम किया वो लोग पास आउट है, जैसे अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान जैसे लोग NSD से पास आउट हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो NSD से पास आउट हैं और उन्होंने बॉलीवुड में अपना काफ़ी नाम किया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप भी अगर चाहते हो कि NSD में हम एडमिशन लें, तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, NSD में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इस सब के बारे में आज हम पूरे डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो एक्टिंग में, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि किस तरीके से आप NSD में एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दे दूं। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि 1959 में एस्टेब्लिश किया गया था, ये बहावलपुर हाउस दिल्ली में स्थित है। इसके जो चेयरमैन हैं, जो 2020 में बनाए गए थे, बॉलीवुड के वेटरन एक्टर परेश रावल इनके चेयरमैन हैं, और इनके जो डायरेक्टर हैं वो सुरेश शर्मा हैं, जो कि 2018 से ही कंटिन्यू अभी तक डायरेक्टर हैं। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले, अगर आप NSD में एडमिशन लेना चाहते हो, तो उनका जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो कि www.nsd.gov.in पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद का जो प्रोसेस होता है, मैं आपको एक एक करके आगे बताता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 2021 में आप किस तरीके से NSD में एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद जिनका आवेदन स्वीकार किया जाता है, वही लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं। जब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद आपको दो तरह के एग्जाम से गुजरना पड़ता है। एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है और दूसरा एक होता है वर्कशॉप। इन दोनों में आपको पास आउट होना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हो। और ये जो एग्ज़ाम है, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा संचालित किया जाता है। ये 3 सालों का डिप्लोमा कोर्स होता है, उसके बाद आप वहाँ से पास आउट होके आपको ज़्यादा संभावनाएँ बन जाती है कि आपको बॉलीवुड में काम मिल सके। अब अगर हम बात करें कि इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको बैचलर की डिग्री होनी आवश्यक है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, आपकी एज 18 से 30 सालों के बीच में होनी चाहिए, और 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है SC और ST के लिए, यानी कि वो 35 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी ही चाहिए, लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश आनी ही चाहिए, ये सारे एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट को 6 थिएटर प्रोडक्शन में काम किए हुए होना चाहिए, यानी कि किसी भी 6 नाटक प्रोडक्शन जो होता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट अगर आपने किया है, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। ये तो हो गए इनके क्राइटेरिया कि आपको क्या क्या चाहिए, तभी जाके आप एडमिशन ले सकते हो। अब अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कैसे होता है, तो इसमें एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है। आपको ऑफलाइन वहां पे जाके, जो भी आप सेंटर चूज करोगे, वहां पे जाके आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम की जो भाषा होगी वो हिंदी और इंग्लिश में ही होगी। पूरे इंडिया में इसके 12 सेंटर हैं, जिसमें दिल्ली है, जयपुर है, लखनऊ है, पटना है, भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी, ये जितने भी सेंटर है, इसमें से जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, आप अपना सेंटर वहाँ पे चुन सकते हो और वहाँ पे आप जाके ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास कर जाते हो, उसके बाद आपको वर्कशॉप के लिए बुलाया जाएगा। वर्कशॉप भी अगर आप अटेंड करते हो, अगर आप पास होते हो, तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। काउंसलिंग में आपका जो भी एडमिशन फ़ी होता है, वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। और काउंसलिंग के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपका फिटनेस चेक किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि
कब से एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा? तो 2021 में एडमिशन लेने के लिए मार्च के सेकेंड वीक से अप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ये इसका जो लास्ट डेट होगा ये अप्रैल के सेकेंड वीक तक होगा। उसके बाद अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ये सारे जो डेट मैं बता रहा हूँ ये टेंटेटिव है, तो इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। और एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा वो मई के फर्स्ट वीक से लेके सेकेंड वीक तक किसी भी डेट को एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। और रिजल्ट की जो घोषणा होगी वो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही फाइनल वर्कशॉप होगा और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा और काउंसलिंग अगस्त के फर्स्ट वीक में किया जाएगा। जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप ले सकते हो। आप ऑनलाइन भी उनके वेबसाइट पे जाके आप भर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी आप ले सकते हो। अप्लीकेशन फॉर्म लेने के बाद अप्रैल के लास्ट वीक तक आप उस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हो। जब भी आप फॉर्म फिलअप करो तो बहुत ही केयरफुली करो, उसमें एजुकेशन से लेके कम्युनिकेशन और पर्सनल सारे डिटेल्स आपको प्रॉपर केयरफुली भरना ही चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और उसके बाद आपको फॉर्म भरने के बाद अगर आप ऑनलाइन भरते हो तो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, या अगर आप ऑफलाइन भरते हो तो आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा और साथ में एक आपका सिग्नेचर। और जो भी उसका लास्ट डेट होगा उसके बाद आपका जो फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो भी लास्ट डेट होगा उससे पहले आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दें। और आप एक डिमांड ड्राफ्ट के साथ एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं उनके नाम से। साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट जो भी फॉर्म का होगा वो आपको भरना पड़ेगा और जो उनके डायरेक्टर हैं उनके नाम से आपको एक रिक्वेस्ट भेजना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म आपके दिए हुए एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। जो ऑनलाइन जो फी होगा वो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन तरीके से भरना चाहते हो तो आपको ई चालान देना पड़ेगा। और अगर हम अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये ऑनलाइन 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा और ऑफलाइन में आपको 225 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और इसमें जब भी आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, आपको तैयारी करना हो, तो इसके जो सिलेबस है उसको बहुत केयरफुली आपको ध्यान दे के उससे तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जो भी इसके एग्ज़ाम होते हैं उसे आप फेस कर सकते हो और आगे की प्रक्रिया में आप शामिल होकर वहाँ एडमिशन के प्रोसेस तक आप पहुँच सकते हो। आपका जो एडमिट कार्ड होगा ये 2 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन शो करेगा। आप उनके वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद बहुत ही केयरफुली से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है, जो आपने डिटेल्स दिया है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। और एडमिट कार्ड है वो ऑफलाइन कभी भी सेंड नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। और साथ में जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो आपको एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मांगेंगे, अगर नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। जब भी आप एग्ज़ाम फेस कर लेते हो उसके बाद उनके वेबसाइट पे जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद, और वहाँ पे जाके आपने क्या आंसर दिया है आप चेक कर सकते हो कि आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। जितने भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सबका सिलेक्शन उनके मार्क के हिसाब से किया जाता है। और इस सारा प्रक्रिया करने के बाद आपको एडमिशन दिया जाता है। एडमिशन देने के बाद ये 3 सालों का डिप्लोमा होता है, आपको वहाँ पे रह के वो डिप्लोमा कंप्लीट करना होता है। और वहाँ से पास आउट होने के बाद, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन लोगों ने NSD से पास आउट है, उन लोगों ने बॉलीवुड में काफ़ी नाम किया है, काफ़ी अच्छे एक्टर माने जाते हैं और हैं भी, काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी एक्टर हैं NSD से। तो आप भी एक अच्छा एक्टर बन सकते हो वहाँ से अगर आप पास आउट होते हो, क्योंकि 3 सालों का टाइम कम नहीं होता है, आपके ऊपर काम किया जाता है, आपको प्रिपेयर किया जाता है। और उसके बाद जब आप आते हो तो आप एक मजे हुए कलाकार की तरह आप काम करते हो, आपको काम मिलता है और एक और आप अपना नाम भी बॉलीवुड में एज एन एक्टर कर सकते हो। तो इस तरीके से 2021 में NSD में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मैंने पूरे डिटेल्स में कोशिश की है आपको बताने का। फिर भी अगर कुछ आपके पास क्वेश्चन हो और सवाल हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हो, हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के बॉलीवुड से रिलेटेड, बॉलीवुड करियर से रिलेटेड, बॉलीवुड अपडेट्स से रिलेटेड मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो आपको बहुत ही आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।